Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel Shekhar Physics Academy. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक से है, चैप्टर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 3 है. फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, वो फैक्टर्स जो कि स्पीड ऑफ साउंड पे असरअंदाज होते हैं, मतलब वो फैक्टर्स जिनकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर आपके कोर्स में मैट्रिक क्लास के अंदर यहाँ पे ये दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड और ह्यूमिडिटी का क्या? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, जो हवा में नमी होती है उसका क्या फर्क पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे. तो सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं कि स्पीड ऑफ टेम्परेचर पे जो है, स्पीड ऑफ टेम्परेचर का असर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या पड़ता है. आपको पता है साउंड होता क्या है? साउंड इज अ एनर्जी दैट इज क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन. मतलब ऐसी कोई तवाना ये एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के जब मालिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो जो है साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि ये मैं यहाँ पे नॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस बोर्ड के मालिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तब जाके साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. या जब मैं क्लैप कर रहा हूँ ऐसे, तो जो आवाज पैदा हो रहा है वो मेरे जो मालिक्यूल्स हैं हाथ के वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तब जाके जो है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो साउंड का मतलब क्या है? वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं. अब आवाज ट्रेवल कैसे होता है? जैसे आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं हवा के जरिए, ये कैसे ट्रेवल हो रहा है? जब मैं अपने वोकल कॉर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो एक वेव जनरेट कर रहा है जो कि एनर्जी कैरी कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के जरिए जो एनर्जी कैरी कर रहा है. मतलब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हवा में जब ये एनर्जी मिलती है तो ये वाइब्रेट करते हैं ऐसे, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल पे, फिर ये टू एंड फ्रो मूव करता है, फिर इन दिस वे ये मॉलिक्यूल जो है एनर्जी कैरी करते जाते हैं आगे. ठीक है, तो ये ऐसे जो है साउंड जो है वो ट्रेवल होता है. अब अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा दें, आपको पता है जब भी आप किसी भी मीडियम का टेम्परेचर जब आप बढ़ा देते हैं तो उसकी मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाती है. तो मतलब ये पहले जो वाइब्रेट कर रहे थे, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा और उनकी वाइब्रेशन भी है वो भी तेज हो जाएगी. तो ये जल्दी जो है जो साउंड है वो ट्रेवल करेगी. मतलब ये होगा कि जो टेम्परेचर का अफेक्ट है, मतलब टेम्परेचर जैसे भी किसी मीडियम का बढ़ाएंगे तो उसके मीडियम के अंदर जो हवा की स्पीड होगी, जो हवा की रफ्तार होगी वो भी जो है वो तेज हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं. अगर इनकी वाइब्रेशन बढ़ानी है, मतलब जल्दी जो एनर्जी इनसे कैरी करवानी है, तो इनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो जो है वो तेज हो जाएगा. अब स्पीड ऑफ साउंड जो है हवा में, आपको पता है मिसाल के तौर पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड? ये तकरीबन होती है 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री पे. दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू. मतलब हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री पे वो 331 मीटर पर सेकेंड है. पर अगर इसकी आप इसका आप टेम्परेचर बढ़ा दें, हवा में टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब 25 सेल्सियस कर दें, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है. ये तकरीबन हो जाती है 346 मीटर पर सेकेंड. तो देख सकते हैं आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ जाती है. तकरीबन पर सेल्सियस 1 सेल्सियस पे आपका जो स्पीड में जो ज्यादती आती है, मतलब स्पीड जो बढ़ जाती है वो तकरीबन 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है. मतलब पर डिग्री आप इंक्रीज करेंगे तो स्पीड में जो ज्यादती आएगी, मतलब स्पीड जो बढ़ जाएगी वो 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी. ठीक है, अच्छा, हवा में हम किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हम जो हवा में स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं. उसका एक फार्मूला है, उसका एक फार्मूला है, ये 331 मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन 273 केल्विन. ये फार्मूला वो है, मतलब इस फार्मूले से आप हवा में किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब 50 सेल्सियस हो या 100 सेल्सियस हो या 200 सेल्सियस हो, आप इस फार्मूले की मदद से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 331 है, मतलब जीरो पे जो इसकी स्पीड है हवा में वो 331 है. ये टेम्परेचर मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आप जो है स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना चाहते हैं, और ये 273 केल्विन.
तो मतलब ये भी आपको केल्विन में ही पुट करना पड़ेगा, या अगर इसको भी सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर ये सेल्सियस में आप पुट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला की मदद से आप जो है स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर इन एयर आप मालूम कर सकते हैं। तो दूसरा जो इफेक्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड पे असर करता है, वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब नमी का जो असर है वो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले। अच्छा, नमी जो होती है वो जब हवा में, नमी कहते किसको है, नमी का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, मतलब हवा में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है वो एक्सेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नमी। अक्सर हम जो है सर्दियों में फील करते हैं जब हमारे कपड़े जो है वो जब हम मूव करते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं या कुछ भी जब हम चलते हैं तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो वेट हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं ऐसे, उसका रीजन ये होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो वेट हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी और डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है? अब देखें, आपको पता है हवा में जो मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड होता है, मिकदार होता है, वो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैसेस मैक्सिमम क्वांटिटी में हवा में पाई जाती है, मतलब 99% तकरीबन ये दोनों गैसेस होती हैं। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो है 14, मतलब 14 और 14 ये हो गया 28, और ऑक्सीजन का क्या है 16 और 16 ये हो गया 32, ठीक है। और 32 और 28 को आप जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। पर अगर इनकी रिप्लेसमेंट वाटर मॉलिक्यूल से हो जाए, अब आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब इसका जो एटॉमिक मास है वो है 2, और मतलब एक है हाइड्रोजन पर इसके दो एटम है तो दो हो गए। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 है, तो ये हो जाएगा 18। मतलब जो पहले एटॉमिक मास था, मतलब गैसेस का जो एटॉमिक मास था वो था 16, वो जब रिप्लेस हो जाते हैं बाय वाटर मॉलिक्यूल्स तो इसका एटॉमिक मास रिड्यूस होके कितना हो जाता है 18। इसका मतलब क्या है, जब मतलब एटॉमिक मास ही कम हो गया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी भी कम हो जाती है। मतलब जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, जब ह्यूमिडिटी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एयर में आ जाते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला, आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला हमें न्यूटन ने बता दिया था, उसमें थोड़ी गलती थी तो लैपलास ने उसको करेक्ट किया था। तो उसका फार्मूला क्या था, गामा पी अपान रो, मतलब डेंसिटी, गामा जो है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, पी प्रेशर है, और डेंसिटी जो है रो जो है वो डेंसिटी है। अब आपको सामने ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, मतलब डेंसिटी जो है वो इनवर्स रिलेशन में है स्पीड ऑफ साउंड से। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, मतलब जितनी जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। पर आपने यहां पर देखा जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ी डेंसिटी कम हुई, जैसे ही डेंसिटी कम हुई तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एज ह्यूमिडिटी इन एयर इंक्रीजेस, जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपने देखा डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो जैसे ही डेंसिटी एयर डिक्रीज हुई तो आप यहां पे देख सकते हैं डेंसिटी जो डिक्रीज हुई तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तो ये था इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट कैसे, मतलब ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो उम्मीद है ये दोनों इफेक्ट जो है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।